ओबीसी वर्ग में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अवधेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गांव-गांव तक पिछड़ा वर्ग समाज में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने वाले अवधेश यादव को अब अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रदेश सचिव बनाया गया है। छतरपुर के छत्रसाल महाराजा महाविद्यालय से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अवधेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रदेश सचिव बनाया गया है। ये जिम्मेदारी अवधेश यादव को पूरे पिछड़ा वर्ग समाज में गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने का ही इनाम है। अवधेश यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में राजनीति में पहला कदम रखा था। इसके बाद से कम उम्र में जिला अध्यक्ष और फिर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए। पूरे बुंदेलखंड में सामाजिक कार्यों और धार्मिक कार्यों के लिए पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और सागर जिले में युवाओं के बीच लोकप्रियता के कारण लोगों में खासी पकड़ बनाए हुए हैं। इसलिए उन्हें 2002 से लेकर 2023 तक लगातार यादव समाज का प्रदेश पदाधिकारी बनाकर के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने समाज में उनकी ऊर्जा का उपयोग करने और समाज को सही दिशा देने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जब से मिली है, पूरे छतरपुर में पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के बड़े बड़े कार्यक्रम जिलाध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में सम्पन्न हुए हैं और सभी समाज के लोग हमेशा अवधेश यादव से अपनापन रखते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।